अक्सा की मोहब्बत ले गई जान खानेवाल के 30 साल कामरान की। खानेवाल का होम ट्यूशन पढ़ाने वाला उस्ताद अपने ही शागिर्द के हाथों उतरा मौत के घाट। 18 साल अदील ने अपने चचा के साथ मिलकर क्यों की प्लानिंग इस कत्ल की, क्यों की गई अक्सा की शादी उसकी रजामंदी के बगैर, और कैसे बचाई पुलिस ने अक्सा की जान, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका बेटा क्या करता था और उसका क्या मामला था अक्सा के साथ? कितने अरसे से मरासिम थे उसके, क्या मामला थे? मरासिम उसके थे, यूसुफ ने पहले उसको कहा कि मेरी बेटी जो है ना तो आपसे शादी करना चाहती है। उसने कहा तू वाले दे, अगर देगा तो मैं शादी कर दूंगा। अच्छा ये कितना अरसा पहले की बात? ये कोई 6 माह पहले की बात है। सही। उसके बाद उसने कहा भी ये ओपन नहीं करना क्योंकि बिरादरी वाले जो हैं ना तो शायद वो मुझे मतलब कि काम ना करने दें। अच्छा लेकिन जिस टाइम आएगा तो मैं तेरे को बताऊंगा। यानी वालिद का इरादा था? वालिद का इरादा, वालिद चाहता था, चाहता था या नहीं चाहता था। मुझे ये बताएं कि इनका आपस में ताल्लुक कैसे बना? आपस में ये ट्यूशन पढ़ाता था उसको, बच्ची को उनके घर। टीचर था ये जो कत्ल करने वाला है, इसका भी टीचर था वो। अच्छा इसको बच्चे को और बच्ची को दोनों पढ़ाता था ये। तो ये घर जाकर पढ़ाता था? पढ़ाता था। अच्छा मतलब घर जाके पढ़ाता था और मामलात यहाँ तक पहुँच गए। पहले आपसे कभी बात की उसने, आपके बेटे ने उसने, आपको बताया कि इस तरह? तो आपने रोका नहीं, मना नहीं किया? मना किया। एक घर में जाते हो जहाँ पर पढ़ाने जा रहे हो और वहाँ पर इस तरह की हरकतें जेब तो नहीं देती? नहीं जी, उसको मना किया कि ये हमारे में जेब नहीं देती। उसने कहा भी जब खुद मालिक दे रहा है, जब बाप उसका दे रहा है, बेटी उसकी ख्वाहिशमंद है कि मैं इससे शादी करूँगी, तो मैंने ये कहा कि मुझे इतराज़ नहीं, अगर तुम दोगे तो मैं शादी करूँगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि तुम मकान अलहदा डाल, मकान डाल और हमारे से रिश्ता ले लो। अच्छा उसने मकान की ईंटें ली, गार्डर टीआर लिए, लेकिन मैंने उसको मना किया। वालदा उस कहती थी कि वो दे रहे हैं तो हमें क्या इतराज़ है। मैंने कहा नहीं, ये आदमी जो है तो ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता था कि मैं मुझे जो खुद दे रहे हैं मैं उनकी ले तो नहीं रहा, ज़बरदस्ती नहीं ले रहा। लेकिन वो तो नहीं देना चाहते थे पहले, जो साल पुरानी बात है, उस बच्ची का रिश्ता तो बहुत पहले हो चुका था, शरई निकाह तकरीबन 8 साल पहले हो चुका था। लेकिन उधर वो एग्री नहीं थे, लड़की एग्री नहीं थी, लड़की एग्री, वालिद और उसके भाई तो एग्री थे ना? नहीं, वालिद भी एग्री नहीं था। ये जो फसाना सुना रहे हैं ना, ये गलत फसाना सुना रहे हैं आप। अच्छा। वालिद भी एग्री नहीं था कि वो उसके जो रिश्ता लिया हुआ था ना वो भी मैके उनके चली गई। नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार अली ओलख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SHO थाना सदर खानेवाल। इनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। 27 जनवरी का ये वाकया है, कत्ल किया जाता है कामरान अली को जिसकी उम्र है तकरीबन 28 से 30 साल। सूरत हाल क्या थी, इस कत्ल को ट्रेस किया, जो चीज़ें सामने आ रही थी, मुहर्रिकात क्या थे, इस हवाले से जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये तो इनकी कम अज़ कम 1.5-2 साल से चली आ रही थी, जब से वो स्टूडेंट थी, वो ट्यूशन पढ़ाता था कामरान उसको और इस अदील मुल्ज़म को, ये दोनों बहन भाई हैं, अक्सा इसकी बहन थी। तो इसी दौरान कामरान की और अक्सा की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद इनके मामला चलते रहे। इन्होंने बात छुपाए रखी अपनी इज़्ज़त की वजह से, इज़्ज़त के हमारी ना उछले जो भी हो। लेकिन मामला चल रहे थे इनके आपस में पिछले 1.5-2 साल से, 1.5-2 साल से मामला चल रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि कामरान कत्ल हो गया। इस दौरान उस लड़की का इन्होंने फैसलाबाद में अपने अजीज़ों में निकाह भी किया, चूँकि लड़की एग्री नहीं थी, डिवोर्स हुई,
डिवोर्स होने के बाद फिर कामरान ने कोशिश की कि वो उस लड़की का रिश्ता हासिल कर ले। इस रिश्ते से पहले जो उसकी शादी हुई, इससे पहले भी कामरान ने बकायदा तौर पर रिश्ता मांगा था, ये मामला हुआ था कि नहीं? जी, वो रिश्ता मांगते रहे थे, उसके वालदैन भी इनके घर आए थे, लेकिन इनकी कास्ट चूँकि ये कसरा फैमिली से हैं और वो सियाल फैमिली से था मकतूल जो है, तो इनकी कास्ट आड़े आ रही थी, जिस वजह से ये इनकार इस बेस पे कर देते थे कि हम गैर बिरादरी में रिश्ता नहीं करेंगे, जबकि लड़की और लड़के दोनों की बड़ी ख्वाहिश थी आपस में। और उसी का तो नतीजा था कि लड़की उधर जहाँ इन्होंने अपनी मर्ज़ी से उसका निकाह किया अपने अजीज़ों में, वो उधर आबाद ना हो सकी, हार्डली 1.5-2 महीने में उसको डाइवोर्स हो गया। थाना सदर खानेवाल में मौजूद हैं, अदील इस शख्स का नाम है, और कामरान से इसका क्या तनाज़ा था, क्या लड़ाई थी, क्या मामलात थे, इस हवाले से जान रहे हैं। इसने कत्ल किया उसे अपने हाथों से ही, क्या करते हो तुम? मजदूरी करता हूँ सर। कामरान के साथ क्या मामलात थे, तुम उसके शागिर्द भी रहे हो, पढ़ते भी रहे हो ना उससे, कितना अर्सा पढ़ते रहे हो? सर ये 2-3 माह मैं खुद पढ़ा उसके पास। अच्छा जी, उस दिन क्या हुआ था, ये 27 तारीख का वाकया है सारा, उस दिन क्या हुआ था और उससे पहले क्या मामलात चल रहे थे? सर वो इसलिए वो हमारे से वो बच्ची का रिश्ता मांगना चाहते थे, अक्सर यूसुफ मेरी छोटी बहन है, वो उसे उसकी शागिर्द रही है 2 साल उसके पास, 9 और मैट्रिक के इम्तिहान उसने दिलाया। अच्छा, घर पर आता था ट्यूशन पढ़ाने? जी घर पर आता था, 1500 मंथ लेता था फीस अपनी उसके पास। कितना अर्सा आता रहा है पढ़ाने के लिए? 2 साल सर। 2 साल वो पढ़ाता रहा है तुम लोगों के घर पर आकर, लेकिन उस दौरान तुम लोगों को नहीं पता चला कि उसके कोई मामलात हैं इस तरह के, या अक्सा ने कोई बात की हो या उसने खुद से कोई बात की हो? नहीं सर, हमें नहीं पता चला, हमें तो बस यही पता था कि ये शागिर्द है और ये उसका उस्ताद है। हाँ जी, बस यही मालूम था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद एक दिन उसने उसे छोटा सा मोबाइल चोरी दिया हुआ था। मोबाइल किसने दिया था? कामरान अली ने, जो कामरान ने खुद पढ़ाने आता था और मोबाइल दिया हुआ था, इनका आपस में लव चल रहा था, चक्कर चल रहा था। हाँ जी, लव मैरिज चल रहा था, हमें नहीं मालूम था। वो जब उसने मोबाइल दिया घर में, उसके को अम्मी ने वैसे कोई झगड़ा वगैरह किया किसी मसाइल की वजह से, उसी दिन उसने समझाया भी मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ तो आपने इस तरह कहना, जब वहाँ पुलिस पहुँचे सदर थाने की, आपने कहना है कि अदील यूसुफ मेरा भाई और मेरा वाले साहब मुझे कत्ल कर रहे हैं, मज़ीद मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाए। किस बात पर झगड़ा हुआ था और किस बात पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था अक्सा को, और किसने बनाया था? वो सर एक दिन एक रात पहले मैं कहीं गया हुआ था, मेरे वालिदैन भी घर पे सोए हुए थे, उन्हें नहीं मालूम, उस बंदे ने वो टेबलेट दी हुई थी 81 जो होती है नशे की, उन्हें नहीं मालूम था। मैं कहीं गया हुआ था, अचानक तकरीबन 12 या 1 का टाइम है, मैं आ रहा हूँ, मैंने घर के बाहर दूर से देखा वो दीवार है, चांदनी रात थी, पिछावा से आ रहा था, मैंने कहा कोई बंदा अभी रात को क्या कर रहा है इस टाइम यहाँ। तकरीबन जब मैं अंदर, वो अंदर चला गया हमारे, मैं भी छुपके से चला गया अंदर, तकरीबन अभी वो हमारे कमरे में नहीं चल अंदर दाखिल नहीं हुआ था, दूर ही था, तो उसने मुझे भी देख लिया, जब मैं पीछे चला वो भागा, उसको मैंने पकड़ा, उसकी मेरी हाथापाई, उसके पास एक राइफल थी 12 बोर, वो खैर मैंने छीन ली, वो चला गया, भाग गया। मैंने एक शख्स तुम्हारे घर में आया रात का टाइम आया और उससे तुमने पिस्टल ली, इस वाकये को तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया, इतना बड़ा इंसिडेंट, एक बंदा घर पर आता है उससे तुम्हारी हाथापाई भी होती है और उसके बाद तुम लोग आए नहीं पुलिस को, तुमने कोई रिपोर्ट नहीं किया, किसी को कोई पता नहीं, 15 भी नहीं की? नहीं, पहले 15 नहीं की, पहले मैंने अपने वो तो पहले घर में मैंने बताया ना अपने वालिदैन को, उन्हें पता है या नहीं। जब मैंने उसे ये सूरत हाल बताया भी आप लोग सोए हुए थे, उन लोगों को हमें नहीं पता था, मज़ीद उसने बच्ची से पूछताछ की भाई ये क्या चक्कर है, वो बंदा पहले तो दिन में पढ़ाने आता है, वो रात को क्या करने आ रहा था, कि हमारे उसके साथ वो सिर्फ उस्ताद शगीर्दी वाला तल्लक है ना, हमने बुलाया है वो खुद, हमें पता भी नहीं, वो आ गया आपके भाई ने देखा क्या मसला है, इसी मामलात में वो अम्मी और वो बेटी झगड़े में पड़ गई, जब उनकी झगड़ा ख़त्म हो उसने फिर छुपके से बता लिया मोबाइल के मेरे पास, उन लोगों को रात को पता चल गया। अक्सा ने कामरान को बता दिया कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इसी वजह से पुलिस को कॉल की गई।
नाज़रीन 27 जनवरी का ये अफसोसनाक वाकया, इस हवाले से बात करेंगे। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील और अक्सर दो बहन भाई हैं, इनको एक लड़का जो है वो ट्यूशन पढ़ाता था इनको, जो इनका टीचर था कामरान। ये दो इसकी अक्सर की जो एज है वो 16-17 साल थी और कुछ 2-1 साल जो है वो इससे इसका भाई बड़ा था। दौरान जब ये ट्यूशन पढ़ाता था तो उस वक्त अक्सा और जो इसका टीचर है जो कामरान जो मकतूल है उसके कुछ इनके आपस में इनकी कोई दोस्ती वगैरह होगी, इनके मरासम आगे बढ़े तो कामरान के फिर वालदैन ने अक्सा से रिश्ता मांगा, जो उन्होंने गैर बरादरी होने की वजह से जो उन्होंने इनकार कर दिया था। इस दौरान इन्होंने बच्ची की शादी कर दी समुंदरी में, बच्ची वहाँ पर ना बच सकी, वो उसको वहाँ से डाइवोर्स हो। डाइवोर्स होने के बाद उन्होंने दोबारा रिश्ता मांगा, उन्होंने अब दोबारा रिश्ता मांगा तो इससे जो है वो कुछ घर वाले सीख पा हुए कि पहले भी इन्होंने बच्ची को वहाँ पे इसने इसके साथ रिलेशंस थे, इसने नहीं वहाँ पे बसने दिया, फिर दोबारा रिश्ता मांग रहे हमने गैर बरादरी में नहीं करनी। इसी रंजिश की बिना पर जो उसका भाई अदील है और उसका जो चचा है मनान, उन्होंने जो है वो बच्चे का जो टीचर है जो लड़का जो कामरान उसका मर्डर कर दिया और ये डे लाइट मर्डर हुआ। और उसके बाद जो है पुलिस को जब इसका पता चला तो हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया, उसमें जो पुलिस की जो अच्छी कावश है उसमें ये है कि उसमें इसको मर्डर करने के बाद उनका इरादा था कि अक्सा को मर्डर किया जाए, तो उसको जो है वो पुलिस ने जो है वो बरवक्त एक्शन लेके अक्सा की जान बचाई। और इन अदरवाइज इनका यही प्लान था कि कामरान को कत्ल करने के बाद ये अक्सा को कत्ल करने के बाद तो उसका भी जो है वो हम आनर किलिंग अक्सा की भी की जाए, तो अक्सा को उन्होंने घर में बंद किया हुआ था। और ये इस प्लान में जो बच्ची का वालिद है वो शामिल नहीं था, बच्ची के वालिद जो यूसुफ है उसकी यही कोशिश थी कि चलें अगर बच्ची का वहाँ पे दिल है तो उधर हो जाए उसका कर लेते हैं। जो वालिद का किरदार है वो बड़ा पॉजिटिव नजर आता है सारी सूरत हाल में, वो शख्स करना भी चाहता है और इनकी डेट भी तय हो चुकी थी, तकरीबन 2 दिन के बाद इनका निकाह तय हो चुका था। लड़की का वालिद भी राज़ी, लड़के का वालिद भी राज़ी, फिर जो लड़की का भाई है वो इस नहज पर क्यों आता है, किस अनाद में ये काम करता है? और देखिए ना, वही हमारी वही पसमानदा सोच है हम, मतलब माशरे में देखें तो हमारा चूँकि डेली इस तरह की चीज़ों से वास्ता पड़ता है तो वही हम अभी तक हम वही उसी जो है जो 100 साल पुरानी या 200 साल पुरानी, शायद वो लोग हमसे ज़्यादा इनलाइटन थे उस वक्त के, हमारी वही वही बैकवर्ड सोच है। और इसमें क्या अमर माने है, अगर एक शराई निकाह अगर दो ख़ानदान के दरमियान अगर रिश्ता इस्तवार हो रहा है और दो बच्चे बच्चे अगर शराई निकाह करना चाहते हैं तो यही वालिद को मेरे ख्याल है उसने बात इस बात को अंडरस्टैंड किया, उसने इस बात को समझा और उसने ये स्टेप लेने लगा। लेकिन वही फिर चीज़ है जिस तरह एक जो है वो अनफॉर्चुनेट एंडिंग होता है इस तरह की स्टोरीज़ में कि वो लड़के का भाई जो है वो ना माना और उसने अपने और चचा जो है वो भी बीच में उकसाने वाला था। इवन जो लड़की की जो माँ है, हालांकि माएँ माओं के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हैं अपनी बच्चियों की फीलिंग्स को, माँ को ज़्यादा पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम यही देखते हैं कि माँ ने अपने बेटे को उकसाया। पॉसिबल है ना सिर्फ ना हक खून करने पर उकसाया बल्कि फिर उसके बाद उसने अपनी बेटी के कत्ल पर भी उकसाया। मतलब आप देखें ना, मतलब उसका जो है वो उसका किरदार आप देखें कि ना सिर्फ वो इस सारे अबैटमेंट है उसकी सारे वकूए में कि एक जीता जागता एक जवान लड़का जो अपने घर का जो है वो एक जो कमाने वाला था उसका कत्ल करवाया, उसके कत्ल करवाने के बाद अपनी बेटी का भी जो है वो उसने बंदोबस्त किया हुआ था, तो वो तो उसकी चलें उसकी ज़िंदगी बड़ी हुई थी उसकी जो वो बच गई है। तो ये इस तरह बड़ा ही मतलब हमारे माशरे का ये एक भयानक एक नॉन इशू को बेसिकली हम इशू बनाते हैं। उसका वालिद यही चाहता था कि अक्सा के साथ कामरान का निकाह हो, तो फिर इनकी रुखसती क्यों हुई थी 5-6 माह पहले, जो रुखसती की गई थी वो क्यों की गई थी? जिस टाइम उसने कहा ना, उसके मामू ने, सुहेल नाम है उसका, उसके मामू ने कहा कि परसों आपको निकाह दे देंगे, अक्सा को कहे कि वापस आ जाए। जिस टाइम अक्सा को उसने पता नहीं बोला या ना बोला मुझे ये पता नहीं है, अक्सा जब घर गई तो उसको नशा देना शुरू कर दिया और तशद्दुद उस पर करना शुरू कर दिया, उसके बाद तीसरे चौथे दिन जाके गन पॉइंट पर उसका निकाह कर दिया। अच्छा, अक्सा ने रब्ता शुरू कर दिया फिर कामरान से, वो शेर जमान से फ़ोन लेके कामरान से रब्ता करे कि मुझे आज ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
मैंने आना है फलाने टीरे, मैं इनके मुअज्जिन के पास गया, उनकी मिन्नतें की कि अब अपनी बच्ची को रोको तुम। मैं पहले अजमतुल्लाह नियाजी है उसके पास गया, फिर मैं सुहेल और अजमल है उसके पास गया, फिर इनका कसरा है हैदर उसके पास गया, इनसे कहा कि अपनी बच्ची जो है तुम्हारी राबता कर रही है इसको रोको। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा भाई उसको को अपने बेटे को वो रुक जाए। मैं कहा भाई वो रुके या न रुके, तुम अपनी बेटी को रोको वो रुक जाएगा। लेकिन आपको भी तो चाहिए था ना अपने बेटे को, बेटे को वो रोका भी तो रुक जाता। बेटे को मैंने रोका उसको, लेकिन वो मुसलसल रابطے में तो रहा, उसे फोन भी दिया हुआ था, रابطے में वो रहा क्योंकि वो रابطہ करती थी मोबाइल फोन उस पे, रابطہ जिस टाइम करती थी ना ये इधर से रابطہ नहीं। मोबाइल फोन भी तो आपके बेटे ने लेकर दिया होगा। बेटा बात सुने ना, मोबाइल फोन बेटे ने लेके नहीं दिया था, वो जो शेर जमान था ना उसको कहती थी कि मैंने एक सहेली से बात करनी है मुझे मोबाइल ला के दो। अच्छा, वो मोबाइल देता था और उस मोबाइल से बात करती। वहाँ पर भी रही है शेर जमान के साथ, जिसके साथ उसका निकाह हुआ था वहाँ पर भी रही है, लेकिन कामरान से रابطے में रही है, रابطے में तकरीबन 1-1.5 माह वो वहाँ रही है। उसके बाद वो वापस आ गई यहाँ, वापस और यहाँ पर आके वापस कैसे आई कि फिर उन्होंने ना उसके जो शौहर था ना उसके भाई ने उस पर तशद्दुद किया, उसने बताया अपनी वालदा को, वालदा ने फ़ोन किया, ये जो कातिल है ना अदील ये लाहौर में था, अच्छा। इसको फ़ोन किया कि अक्सा को मारा है उन्होंने काफ़ी, ये आया वहाँ से, वहाँ इनके झगड़ा हुआ, अपनी बहन को ये ले के आया, इसने इस तरह भी किया कि 15 पे भी कॉल करूँगा मैं तो ले जाऊँगा, वहाँ से ले आया इसने। इधर आके वो कहती थी कि मुझे खुला चाहिए, ये कहते थे कि नहीं खुला, पहले ये कहते थे ठीक है हम ले देंगे, लेकिन बिरादरी वालों ने कहा भी नहीं हमने उसका निकाह कर दिया, फिर उसने जाना है उधर है, उसने कहा भी मैं खुला लेनी है, जब खुला लेनी है इन्होंने ना माना तो कामरान मेरे घर पे नहीं था, मेरे से लड़के चला गया था, अच्छा झगड़ा करके, सही है। उसने कामरान से रابطہ किया, रात को ये चली गई, कामरान के साथ गई या किसके साथ गई चली गई, कामरान के पास पहुंच गई, मुल्तान में जाके खुला का दावा दायर कर दिया फैमिली कोर्ट में, मेरे पास उसके भी डॉक्यूमेंट। तो ये सारा कुछ तो कामरान करवा रहा था ना, आपको नहीं बताया था आपके बेटे ने कि मैंने उसको अपने हमरा लिया है और खुला का दावा भी करवा दिया है, और दावा वो कर रही थी वो कामरान का, जबरदस्ती कुछ किसी से कोई करवा, कामरान तो था ना साथ, बेटा बात सुने, जबरदस्ती एक औरत नहीं चाहती तो जबरदस्ती नहीं करा सकता कुछ भी, कोई आदमी किसी का माई का लाल भी करा दे मैं, लेकिन कामरान तो फिर कामरान ठीक है, कामरान की उम्र तो तकरीबन 31 साल है, 28-30 साल है, बड़ा है, मैच्योर है, उस्ताद था, पढ़ाने जाता था, इधर आके उसकी तो उम्र भी नहीं थी 17-18 साल उसकी उम्र कर दिया, हरासमेंट का दावा कर दिया दिखाने वाल ने सेशन कोर्ट। इधर उसने हरासमेंट का किस पे दावा किया, मामू पे, फुफे पे और एक दो और आदमियों पे हरासमेंट का दावा किया कि मेरे वालिद को तशद्दुद करते हैं। अक्सा का रिश्ता किससे हुआ था, कब हुआ था, कितना अर्सा पहले हो चुका था और उसके बाद रुखसती कब हुई थी? 9-10 साल पहले मेरे दो चाचा थे, हमने वहाँ उसकी फैसला बार शादी की उनकी कज़नों के साथ, चाची की बेटी के साथ, उन लोगों ने हमसे एक फूफी ली मेरी, अच्छा। और एक उन लोगों ने कहा अपनी बहन का रिश्ता दो, अच्छा। लेकिन अक्सा जो है वहाँ पर रिश्ता नहीं करना चाहती थी, आप लोग ये कह रहे हो कि उससे पहले शरी निकाह हुआ था, वो तो 8-10 साल, अक्सा की उम्र इस वक्त भी 18 साल है, उस वक्त 10 साल की थी जब आप लोगों ने उसका शरी निकाह, आपके मुताबिक जी यस सर बिल्कुल इसी वो 10 साल थी, लेकिन उसके बाद वो अब शादी नहीं करना चाहती थी, तो आप लोग ज़बरदस्ती क्यों करना चाह रहे थे उसके साथ? सर वो शादी इस तरीके करना चाहती थी, पहले हमें तो पता नहीं चला, अगर पता होता ना भी ये शादी करना शायद हम कर भी देते, वो जब एक जब उस लोगों ने वो हमें ब्लैकमेल किया ये इसी तरीके से कि वो छुप के मिलने आता था, हमें नहीं पता इस खबर का, फिर दोबारा वो मसला बना, उसने कॉल कर दी 15। कौन कौन साथ था उस वक्त? सर कोई प्लानिंग नहीं थी, शाम का वक्त था, वो इसी तरीके से वो बच्ची का रिश्ता मांगते थे हमसे, हाँ जी हम मेरी अम्मी और हम कोई राजी भी नहीं थे, वो ना मेरे वाले साहब को एग्री कर चुके कुछ, वो भी उनके साथ मुलव्वस हो गया यानी,
हमारे हम मेरी वालदा ने कहा मैं अभी नहीं करना, मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर। मैंने भी कहा मुझे नहीं मंजूर। उस बंदे ने हमारे वालिद तो राज़ी था, लड़की भी राज़ी थी जो रिश्ता करना चाह रही है, वो भी राज़ी थी और उसका वालिद भी राज़ी था। वालिद राज़ी है तो आप लोगों को क्यों इतराज़ था? सर इसलिए इतराज़ था क्योंकि वो एक शागिर्द है, वो उस्ताद है। आज तक हमने नहीं सुना था कि शागिर्द और उस्ताद की शादी हुई हो। उसके अलावा उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमसे इज्जत से मांगता शायद हम लोग दे देते। मांग तो रहा था, वो कितने अरसे से मांग रहा था इज्जत से, और कैसे मांगा जाता है? इतनी सर मांग रहा था। अच्छा। पहले वो छुप के उसने तलाकात बनाए, उसके अलावा फिर उसने बच्ची को यहाँ 15 उसके समझा के उसको यहाँ भिजवा दिया। वहाँ कर वहाँ जब हम यहाँ से ले गए, उसने हमारी बच्ची निकाह वाली भगा ली दोबारा, शाहरुख सी हुई बच्ची लेकर भाग गया। तीसरी दफ़ा जब सुलह हुई, अब सुलह हमारी नहीं, उसने हमने कहा हमारी बच्ची दो, 1.5 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर ले कर चलता रहा। हमने कहा हमारी बच्ची, उसने कहा हम बच्ची इस शर्त पे देंगे कि बच्ची को कत्ल ना किया जाए। हमने कहा ठीक है, पंचायत बनी, बच्ची को कत्ल ना किया जाए, बच्ची की जहाँ शादी हुई वहाँ से इसकी तलाक ली जाए। कोला का दावा भी अक्सा की तरफ से किया गया था जी। यस सर, ये भी बयान दिया था कि वो अपनी मर्जी से कामरान के साथ है। जी यस सर, आप लोगों को ये तमाम चीज़ें पता थी कि ये हो चुका है। उसके बाद अक्सा का वालिद, आपका वालिद जो है राज़ी था इस बात पर कि कामरान के साथ शादी हो जाए उसकी, आप लोगों को क्या मसला था? हम लोगों को सर ये मसला था कि हम लोग, वो भी मजबूर था, उसकी दिली ख्वाहिश नहीं थी। दिली ख्वाहिश होती ना, वो सिर्फ उसकी धमकियों की वजह से, क्योंकि मेरी बच्ची फिर ना बगाल है, हर बंदे को होती, मजदूर आदमी है कि हमारी इज्जत पहले भी चली गई, अब रही है फिर ना ले जाए। इसका मतलब है मार दो उसे, जो किया ठीक किया। नहीं सर, ये अच्छा तो नहीं किया, मजीद वो उस वक्त भी हमारा कोई प्लान नहीं था। खानेवाल से हमारे रिपोर्टर नदीम मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, एक उस्ताद है कामरान जिसका नाम है, जिस हवाले से हम ये सारी स्टोरी कर रहे हैं, एक उस्ताद को क्या ये जेब देता है कि वो जिसके घर में जिस बच्ची को पढ़ाने जा रहा है उससे मरासिम कायम करे, उससे रिलेशन बनाए, और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से, और ख़ास तौर पर इसी केस के हवाले से? जी अली, अगर इस केस का अगर हम पस मंज़र देखें तो यकीन तौर पर ये हमारे माशरती वो बुराइयां हैं जो दिन ब दिन जो हैं वो बढ़ रही हैं, जन्म ले रही हैं, और ये बुराइयां आगे चलकर जो है वो जराइम की वजह बन रही हैं। जैसे इसमें हुआ है कि उस्ताद का दर्जा अगर हम देखें तो वो उसमें एज फैक्टर को निकाल दें तो उस्ताद का दर्जा जो है वो वालिद का दर्जा भी है, और उसने तरबियत करनी है माँ बाप के बाद अपने स्टूडेंट की तरबियत जो है वो उस्ताद ने करनी है। लेकिन अब ये माशरे में ये बुराइयाँ जन्म ले रही हैं कि उस्ताद ही अपनी स्टूडेंट के साथ जो है इश्क मुशाका जो है वो मरासिम चलाता है, मरासिम चल रहे हैं, और फिर उसका भाई भी उसके साथ जो है वो ट्यूशन पढ़ रहा है उसके साथ, और फिर ये देखें कि ये माशरती बुराई जो है आगे चल कर जो है वो एक जुर्म में तब्दील हो गई, और गैरत के नाम पर बिलाखिर वो उस्ताद भी जो है वो कत्ल हो गया। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ दो घर, दो खानदान बर्बाद हो गए। जी बिल्कुल, दो खानदान बर्बाद हो गए हैं, और इसका एक चेहरा तो ये है कि, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वालदैन ये की भी काफ़ी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज़ में करें कि इस तरह की माशरती बुराइयों की तरफ उनके बच्चे ना जाएँ, और ख़ास तौर पर जब बच्चे इस एज में पहुँच जाएँ कि वो 9th, 10th या 1st ईयर में पढ़ रहे हैं, तो वालदैन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चों के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तवज्जो रखें और बिल्कुल नज़र रखें इस हवाले से कि वो जब ट्यूशन जा रहे हैं, एकेडमी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी का सबूत भी दें, और साथ साथ अपने बच्चों के की जहन साजी भी करें इस हवाले से कि इन माशरती बुराइयों से बचना है। इसका एक रुख तो ये है, और दूसरी जानिब ये है कि जब इस तरह के मामलात कहीं पर अगर हो जाते हैं तो फिर वहाँ हमारी ज़ात बिरादरी के मामलात भी आ जाते हैं कि अगर एक रिश्ता मांगा जाता है तो वहाँ पर फिर लड़की वालों की जानिब से या लड़के वालों की जानिब से ये सवाल उठाया जाता है कि चूँकि वो हमारी कौम बिरादरी के नहीं हैं। मनान इसका नाम है और सगा चचा है अक्सा का। मामला क्या हुआ था मुझे बताओ मुख्तसर सा, और उस दिन क्या प्लान किया था तुम दोनों ने मिलकर, चचा और भतीजा ने मिलकर क्या प्लान किया था? सर हमारा कोई प्लान नहीं था। अच्छा। मैं बैर अपने गांव में गली में खड़ा था तो भतीजे मेरे ने कहा कि आओ हमने पंचायत में जाना है, हजी मोहम्मद अजमतुल्ला खान के डेरे पर,
थे, हम वहाँ चले। मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। मैंने बाइक निकाली तो फिर हम उस डेरे पे गए हैं। अच्छा, इतनी देर तक वो कामरान अली और उसका वालिद वहाँ से जा रहे थे। राइफल किसके पास थी? राइफल हमारे पास थी। क्यों उठाई हुई थी वो? सर, एक तो जो कामरान था वो मेरे भतीजे को धमकियाँ देता था। कितने अरसे से राइफल उठा के फिरते हो तुम लोग? तकरीबन एक माह से उठाई नहीं थी, लेकिन जब हम पंचायत में आ रहे थे उसी वक्त उठा के आ रहे थे। उस वक्त इरादा बनाया था कि राइफल उठा कर उसे ही मारोगे? हाँ, कोई इरादा नहीं हमारा था सर। किसने उठाई हुई थी राइफल? मोटरसाइकिल कौन चला रहा था और कौन पीछे बैठा था? दिल यूसुफ बाइक चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा था। तुम पीछे बैठे थे तो उस वक्त क्या हुआ था? फायर किसने मारा था? रोका किसने था उनकी मोटरसाइकिल को? सर, और पंचायत में क्या बात हुई थी? सर, जब अदील पंचायत में हमें नहीं पता, उस वक्त वो निकल रहे थे, हम उसके पीछे गए। अदील ने कहा मोटरसाइकिल रोको, हमें बताओ क्या बात हुई पंचायत में, हमें तो इस बात का नहीं इलम। उस वक्त कामरान अली उतरा, बाइक रोक कर उतरा और उसका वालिद तो कामरान अली ने पिस्टल निकाल कर इसकी गर्दन भर रखा। तो मेरे पास पंचायत से वो होकर आ रहा है, उसके पास कहाँ से पिस्टल आ गई? सर, वो भी रखता था, उसे भी पता था कि अदील जो तो था ना वो रिश्ता नहीं, जो अदील है ना वो रिश्ता नहीं होने देते थे। हम राज़ी नहीं थे। अच्छा। क्योंकि जिस लड़की की शादी हुई थी, बाप राज़ी है तो तुम लोग क्यों नहीं राज़ी थे? बाप राज़ी था। सर, बाप को मजबूर किया गया था। क्या मजबूर किया गया था? सर, मजबूर किया था कि हम अपनी आपकी बेटी फिर लेकर भाग जाएंगे। पहले भी शादीशुदा थी, जब उसको लेकर भाग रहा था, चाह रही है शादी करना उसके साथ, तो आप लोग क्यों उसे रोकना चाहते? वजह ये थी कि वालिद राज़ी है, वो लड़की खुद राज़ी है, तो आप किस लिए रोक रहे थे? सर, वालिद तो बाद में राज़ी हो, पहले ये बात थी कि उस बेटी की, हमारी बच्ची की जहाँ शादी हुई थी वहाँ मेरे दो भाइयों की हुई थी, और जो मेरे भाइयों की बीवियाँ थी उनके ससुराल वाले थे, वो कहते थे अगर आपकी बेटी आप तलाक लोगे ना तो हम अपनी बेटियाँ लेकर चले जाएंगे। बाप चाह रहा था तो बाप का हक ज़्यादा है या आपका ज़्यादा था? सर, बाप का हक था ज़्यादा, लेकिन बाद में बहुत तकरीबन 5-6 माह बाद उस बाप ने मजबूर होकर कहा कि मैं अपनी बेटी को। अच्छा, उसके बाद क्या इरादा था ये करने के बाद? क्या इरादा था कि उसे भी मार दोगे, अक्सर को भी? नहीं, कोई इरादा नहीं था। जिस वक्त हम बात कहाँ भाग कर गए? हमारा झगड़ा हुआ, फायरिंग चला, वो कत्ल हो गया। हम अपने चचा के घर फैसलाबाद चले गए। किसने चलाया था फायर? हमने। अच्छा, उसके बाद कहाँ भाग कर गए थे और किसे बताया था? हम भाग कर अपने चचा के घर फैसलाबाद चले गए थे। अपने भाई को नहीं बताया था? वालिद को बताया था? उससे बात हुई थी? नहीं, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। पच्चीस तारीख को इन्होंने निकाह देना था अक्सा का। असलम खान याजी के डेरे पे फैसला हुआ था, दुआ खैर हुई थी, और उसके बदले में अदील नबील नाम का बेटा है इसका, उसको रिश्ता कामरान ने उसकी शादी करानी। सही, ये तय हुआ था। अगर जितने तक कामरान शादी नहीं कराएगा तो 6 कनार रकबा रेंट रखेगा कामरान। वहाँ से वापस आ रहे थे? वापस आ रहे थे। पीछा कर रहे थे आपका? जी, ये पीछा करते हुए आए। हमने कहा शायद कोई मोटरसाइकिल गुजारने में थोड़ी साइड दी, इन्होंने आगे करके खड़ा कर दिया। गन बंदूक जो है तो वो सीधी कर ली। अच्छा, उस टाइम मैंने कोशिश की कि इसकी बंदूक को पकड़ूं, लेकिन कामरान ने, अल्लाह ताला की मर्जी थी या जो भी, वो उस जगह से भाग पड़ा। अच्छा, मतलब मोटरसाइकिल उतरा भागा, ये पीछे उसके भाग पड़े। थोड़े फासले पे जाके मैं भी पीछे भाग रहा था, यकदम फायर होया। अच्छा, फायर जिस टाइम होया तो उसकी 2-3 बार हाल हो दाड़ हो इस तरह निकली है। उस तो बाद जड़ा था वो जड़ा था खामोश हो गया। मैं गड्डी च पाया, गड्डी च पा के फिर वाले को आके मेरे बच्चे की डेथ हो गई। कामरान पढ़ाता था, उसको ट्यूशन देने उसके घर जाता था। 2 साल तकरीबन अक्सा को ट्यूशन देने उसके घर जाता रहा। दरअसल वो अपनी मोटरसाइकिल पीछे पीछे उनका पीछा किया फिर। हाँ जी, हमने कहा इससे पूछें भाई हम क्या तय हुआ है, पूछने के लिए गए थे और पिस्टल साथ लेकर गए? नहीं, पिस्टल नहीं था हमारे पास। हमारे पास 12 बोर थी, सिर्फ एक हथियार था। हाँ जी, एक हथियार था, 12 बोर हथियार था। हथियार किस लिए लेकर जा रहे थे? कोई अपने घर में, घर के बाहर हथियार तो नहीं लेकर? आपने बात करनी थी तो हथियार किस लिए था? सर, वो इसलिए कि हमारी पहले भी वहाँ कोई दुश्मनी थी, फाजी तौर हमने कहा चले ले चलते हैं, झगड़े का कोई मूड नहीं। एक होता ना, क्योंकि अल्लाह को जान देनी, रोला तो है जो पड़ गया। खड़ियों में खड़ा ये शख्स फिर भी झूठ बोल रहा है कि इरादा कोई नहीं था, बस वैसे ही अपने पास हथियार रखा हुआ था।
वैसे कौन रखता है हथियार अपने पास? सर वैसे मौजूद में झूठ क्यों बोलू? लाइसेंस था? नहीं सर, वो पहले आपको बताया कि उसी की थी। अच्छा, वो भी उसी की थी? की थी, वो बिल्कुल हकीकत है। उसी फायर भी उन्होंने आपस में किए एक दूसरे को? नहीं नहीं नहीं, वो फायर पहले वो उसने जब हमारे हमने साथ मोटरसाइकिल लगाई, हमने कहा हमारी बात सुनो, उन लोगों ने नहीं मोटरसाइकिल खड़ी की, आगे कमान था उसी सड़क पे, उन लोगों ने वहाँ खुद मखुद खड़ी कर दी, हम साथ गए, जब पकड़ा दो तीन मुक्के मंगा रहे, वो मोटरसाइकिल गिर गया उधर ही सड़क पे। इसलिए मारेगा वो? उसका मामला ठीक हो गए, उसकी शादी हो रही है, वो तुम्हें क्यों मारेगा? वो इसलिए मारेगा सर कि मैं फिर राजी नहीं। तुम राजी नहीं थे तो यानी कि तुमने उसे मारा होगा ना? नहीं, राजी नहीं था वो मुझे मारने की कोशिश, उसके पहले भी प्लान था कि इस बंदे को ख़त्म किया जाए। तो ये बंदे घर से रेडी होके आते हैं, उधर कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा इनकी और कोई दुश्मनी नहीं है, जो वेपन लिए फिरते हैं और वो भी निजायज़, कोई उसका लाइसेंस नहीं है, तो ये रेडी हो के आए थे, इस इरादे थे आए से, और उन्होंने इंतज़ार किया। इनका रबता भी था टेलीफोनिक, जिससे इन्हें पता चला कि अब वो निकल पड़े हैं, और कन्फर्म होने के बाद फिर ये उस रास्ते पे, उस पगडंडी पे जाते हैं, आगे से रोकते हैं, वो मुल्ज़म, वो मकतूल कामरान भागता है, जब इनको देखता है वो आगे भागता है, ये दोनों पीछे भागते हैं जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए, और ये उसको फेर मार देते हैं। इस कुएं का विटनेस जो है वो इसका वालिद भी है, मौका पे जो उसने स्टेटमेंट जैसे दी थी, और बिल्कुल सिचुएशन भी वही बता रहे थे, सिचुएशन भी वही है, मौका भी ये शख्स यहाँ पर खड़े हुए भी झूठ बोल रहा है। फायर किसने किया था? फायर उसने किया था, उसने फायर किया था, कामरान ने फायर किया था? फायर हमने किया था, यानी जो मेरा चाचू है। किसने फायर, किसके फायर से वो जाम बहक हुआ? हमारे फायर से, यानी वो जो मेरा छोटा चाचू, उसने चलाया। चाचा ने चलाया था या तुमने चलाया? चाचू ने चलाया था। तुमने नहीं चलाया था? पिस्टल तो तुम्हारे पास थी। हमारे पास पिस्टल नहीं थी, राइफल थी, वो जो 12 बोर उसके पास थी, मैं बाइक चलाने वाला, वो पीछे बैठा हुआ। तुम्हारा वालिद राजी है, तुम्हारी बहन राजी है, तो तुम्हें ये हक पहुंचता था ये सब करने का? सर मुझे हक तो नहीं पहुंचता था, क्योंकि एक कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है पूरा, पर वो मजबूरी में जब उसने मारा ना, हमारा कोई इरादा नहीं था। वालिद तो राजी था तुम्हारा, वालिद का ज्यादा हक है बेटी पे या तुम्हारा था बहन पे? सर वो तो वालिद का है, पर हम भाई बहन तो मेरी ही थी ना। अच्छा, उसकी बेटी नहीं थी? बेटी थी बिल्कुल। जब बाप राजी है तो तुम्हारा बनता था कि तुम ये काम करो? सर वो बाप उनकी मजबूरी, वो फुल राजी नहीं है, एक उसका अपना इरादा नहीं, वो उनकी वो तो निकाह ही कर रहा है ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था ना वो? जी सर। बाप राजी था, लड़की का बाप राजी है, लड़के का बाप राजी है, शादी करना वो चाहते हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के भाई ने ये खुद से डिसीजन ले लिया, खुद से फैसला कर दिया और उस शख्स को, कामरान को, मौत के घाट उतार दिया अपने हाथों। जी बिल्कुल, लड़की के भाई का जो एक्ट है उससे यकीन तौर पर दो ख़ानदान तबाह हुए हैं, उनकी बहन का मुस्तकबिल तबाह हो गया, अपना तबाह हुआ, दोनों ख़ानदान का मुस्तकबिल तबाह किया। लेकिन अली मैं इसमें ये कहूँगा कि माशरे का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल है, इस हवाले से कि हमारे यहाँ जब इस तरह के मामला हो जाते हैं तो जो हमारे ज़ात बिरादरी के लोग होते हैं, महल्लेदार होते हैं, माशरे के मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, वो भी पुशअप करते हैं गैरत के हवाले से इनके जनाब, वो भी ख़ासतौर पर लड़की के भाइयों को या चचा को या मामुओं को जो है वो इस हवाले से ताने दिए जाते हैं, बात की जाती है, जिसकी वजह से वो उनके जज्बात उभारे जाते हैं, और इस तरह के जो गैरत के मामला तो हम देखते हैं कि वो जज्बात उभारने के बाद जो इस तरह के वाक़ात होते हैं, तो वो लड़की का भाई उसने ख़ुद भी जो फैसला किया गलत किया, और यकीन तौर पर उसे अब ये एहसास हो रहा होगा कि भाई मैंने एक एक्ट से पूरा ख़ानदान और दो ख़ानदानों को जो है वो तबाह कर दिया। लेकिन यहाँ माशरे चचा भी साथ है, यहाँ माशरे की जिम्मेदारी भी ये बनती है कि जहाँ अगर कहीं दो ख़ानदानों के दरमियान अगर ऐसे मामला तय हो रहे हों तो वो भी खुदारा जो है इसको इज़्ज़त का मामला बना के, ख़ासतौर पे जो लड़की वाला ख़ानदान है उनको जो है वो गैरत के हवाले से जो है वो जज्बाती ना करे, ताकि हमारे इस तरह के वाक़या रिश्तों के मामलात में कॉन्सेंट का होना बहुत ज़रूरी है, आया वो लड़की का हो, लड़के का हो, दोनों का हो, तो बाहमी रजामंदी कितनी ज़रूरी है, अगर वो ना की जाए तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जिस तरह से ये वाक़या हमारे सामने आया है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ खाने वाल की ही हिस्ट्री देख लें और मर्डर्स देख लें जो अनर किलिंग से जुड़े हुए हैं, तो आप अगर ये कोई सिविलाइज्ड माशरे का यहाँ पे इंसान आए तो वो यहाँ पे तो रोएगा ही हंसेगा। मतलब जो इश्यूज, मेरा ख्याल है कि अब मुहज़्ज़ब माशरों में इश्यूज नहीं हैं, नॉन इश्यूज हैं बेसिकली, जो नोबडी केयर्स बेसिकली, तो हमने उनको एक इशूज़ बनाकर
और अपना जो है वो सत्यानाश किया हुआ है। और अब इसमें देखें कि इसमें जो है वो सारी फैमिलीज, अब के कितनी फैमिलीज तबाह हो गई, और पुलिस के ह्यूमन आर्स और पुलिस की सारी जो है वो सारी चीज़ें हमारे, मतलब एज अ पुलिस डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ कि हमें जो डाकुओं के पीछे जाना चाहिए, हम इस तरह के केसेस में, और ज़ाहिर है फैमिलीज जो रिलेटेड मैटर्स हैं और उनमें हम इन्वॉल्व होते हैं, और फिर सारा जो है हमारी तवज्जो इस तरफ बढ़ती है, जिसमें ऑलरेडी क्लियर रिसोर्सेज में हम समझते हैं कि हमें दूसरी तरफ ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमें ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। तो ये इसमें बस टाइम था सर, कहा जाता था कि गैरत के नाम पर सिर्फ ख्वातीन को कत्ल किया जाता है, लेकिन अब जो हम केसेस देखते हैं ना सिर्फ ख्वातीन को बल्कि मर्द हजरात को भी, जिस तरह से इस केस में हमें नज़र आया, तो यानी कि ये क्रॉस द बोर्ड है, कोई इसमें खातून है या मर्द है उसका कोई इम्तियाज़ नहीं किया जाता, बस एक दिमाग में आ गई कोई चीज़ तो ये कर देना है, ये एक्ट क्या है? अभी भी जो है वो जितने भी अनर किलिंग्स होती हैं उसमें मैं समझता हूँ कि स्टैट्स देखे जाएँ तो 90% उसमें वेमेन ही जो है वो निशाना बनती हैं, वही इसमें विक्टिम होती हैं, क्योंकि बेसिकली तुम्हारा पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, जो मर्द है वो इससे बच जाता है, वो तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो फरार इख्तियार कर लेता है, वो आगे पीछे कहीं भाग जाएगा, औरत बेचारी काबू आ जाती है। तो ये एक है, आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंट केस है, जिसमें उन्होंने पहले जो है वो मर्द को निशाना बनाया और फिर उसमें बाद में इन्होंने लड़की को मारना था, तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट केस है, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि औरतें ही ऑनर किलिंग, इसीलिए जो है वो जहाँ ऑनर किलिंग में ये औरतें ही बेचारी जो हैं वो इसका निशाना बनती हैं। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम साहब, इनका यही कहना है कि ख्वातीन ही ज़्यादातर इसका निशाना बनती है, और इस केस में भी जो पुलिस की पॉजिटिव कार्रवाई है वो यही है कि क्योंकि जो मुलजमान हैं उनका इरादा ना सिर्फ कामरान जिसको उन्होंने उस वक्त कत्ल किया, उसके बाद उनका इरादा यही था कि वो अक्सा को भी कत्ल करेंगे, और उसके बाद वो वहीं मूव कर रहे थे कि पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया।